इंदर के साथ इतना ज़्यादा पंगा हो रहा था इधर आके स्टेशन में, तो मैंने इसको बोला है कि तुम बाल बुल मत कटवाओ, तो इंदर का बाल देखे इतना छोटा है, तो ये भी बोल रहा है कि मिलिट्री कट काटेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा मिलिट्री कट, इसलिए बोला मैंने कि तुम बाल नहीं रखते हो, दाढ़ी नहीं रखते हो, पग नहीं बांधते हो, तो ये बात कहाँ की कहाँ तक लेगी। हाई गाइज, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोगों का? मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। जस्ट अभी अभी नींद से उठी हूँ, कुछ देर पहले फ्रेश होके अभी रसोई में आई हूँ। जब मॉर्निंग को रसोई में आई थी तो खाना ऑलरेडी रेडी था, बस रोटी बनानी थी, पर आज पता नहीं क्यों मुझे रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बहुत दिन से मेरा मन हो रहा था कि मैं पीस के पराठे खाऊँ, पीस मतलब जो मटर होता है, हरा मटर उसके पराठे, पर पता नहीं क्यों मुझे भी टाइम नहीं लगा, खाने का मन हो रहा था, मैंने भी नहीं बनाई, बाकी सारा ख़राब हो रहा था, तो मैंने मम्मी को बोली कि फटाफट से आज बना लेते हैं, तो मम्मी का ऑलरेडी खाना तैयार था। आज हमको निकलना भी है, क्या करेंगे ना करेंगे वो तो आप लोगों से शेयर करेंगे, पर अभी के लिए फिनल रेसिपी शेयर कर देते हैं गाइस। सो मैंने पैन में थोड़ा सा हींग डाल दिया, अब है अदरक का पेस्ट, तो मैं ये डालूंगी, हरी मिर्ची डाल दूंगी। तो गाइस देखो ये ना बिल्कुल फ्राई सा हो गया है, अभी हम इसमें पीस डाल देंगे सारा और अच्छे से पका लेंगे। गाइस इसको इतना टाइम पकाना है कि इसके जो पीस का जो स्मेल है ना वो बिल्कुल चला जाए, और साथ ही साथ मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ हम इसमें डालेंगे नहीं, बस नमक। एंड जब हम इसको उतरेंगे उससे पहले थोड़ा सा शुगर डाल देंगे बस। तो गाइस जब तक ये बन रहा है तब तक मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो इधर कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, सुबह उठती हूँ तो गर्म लगता है, रसोई में आती हूँ तो और भी ज़्यादा गर्म लगता है। बट एक चीज़ जो अच्छा है वो है ऑल टाइम इधर हवा चलता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो, रात के टाइम बहुत ही कंफर्टेबल वेदर होता है। अगर आप छत पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा ठंड ठंड से फीलिंग होती है। ये जो ईयर के स्टार्टिंग होता है ना, क्योंकि हमारे बंगाली ईयर स्टार्ट होता है बैसाख से, जैसे पंजाबी ईयर स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे हम सारे घर के साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद से ना शाम के टाइम तूफान आना स्टार्ट होता है हर शाम को। तो क्या होता है ना, दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्माइश होता है एंड शाम के टाइम ठंडा होता है, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल हो जाता है। आज निकलने वाले हैं पर मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रही है कि बाहर इतना ज़्यादा धूप है। हाय आप लोग देख सकते हो कि नहीं पता नहीं, पर धूप इतना ज़्यादा है, पर हाँ हवा भी चल रहा है, मे बी लेट्स सी मे द जर्नी बी कम्फर्टेबल। सो गाइस ये वाला हमारा रेडी है, बिल्कुल देखो ब्राउन ब्राउन सा हो गया, इसमें हल्का सा हम चीनी डालेंगे, फिर इट विल बी ऑल सेट। इधर मैंने कढ़ाई रख दिया, इसमें डालूंगी मैं तेल, इसमें बनेगा दम आलू, तो इतना सा तेल आई थिंक काफ़ी है। ओके गाइस तो इसमें हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट डाले हुए हैं, इसमें हम प्याज नहीं डालेंगे, बिना प्याज के बनाएंगे बिल्कुल हल्का फुल्का सा, तो ये थोड़ा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, स्मेल आएगा। फिर इसके बाद हम डालेंगे टमाटर और जो हमारा मसाला डालने वाले हैं वो सारे मसाले उसके बाद डाल देंगे। ओके गाइस सो मैं डाल रही हूँ एक आधा टमाटर सा, और थोड़ा सा डालूँगी नमक, क्योंकि आलू का सब्ज़ी बन रहा है काफ़ी सारा नमक चाहिए। और मैं डाल रही हूँ अभी थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर। ओके देख लो, थोड़ा सा धनिया एंड जीरा पाउडर। गाइस इसमें मैंने ऐड किया हल्की सी हल्दी, तो कलर ऐसा आया, तो ये सूख रहा है, हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और पकाएंगे। गाइस एक बार अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये बज गया है 1:25, और इस टाइम पे बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम बहुत लेट उठे हैं। अभी भी दो पराठा है, देख लो ऐसे बनता है इसका पराठा। वैसे तो ये पूरे तेल में फ्राई करना होता है,
बट हम इतना ऑयली नहीं खाना चाह रहे, इसीलिए बस पराठा जैसे इसको फ्राई कर रहे हैं। इधर देखो इंदर आ गया हेल्प करने। पहले तो रणवीर सिंह की बात कर रही थी, अब तो इंदर सिंह काम आ रहा है। चुप करो। ये देखो इधर बन रहा पराठा और इधर बन रहा है आलू की सब्जी, मतलब दम आलू। आज जो हम खाना बना रहे हैं ना, पूरा का पूरा अनियन फ्री है, मतलब अनियन नहीं डाली है मैंने पूरे खाने में। और पता नहीं क्यों आज मेरा ऐसा मन हुआ कि बिना अनियन के, वैसे मैं अनियन के बिना खाती नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ में अनियन डाला भी होता है तो कच्चा अनियन भी ले लेती हूँ, क्योंकि खाने के मतलब खाना शरीर के लिए अच्छा भी है कच्चा अनियन। तो पता नहीं क्यों आज मेरे को ऐसा लगा कि बिना अनियन के खाएंगे ना, अनियन साथ में काट के खाएंगे बेटा। नहीं, इसके साथ इतना अनियन अच्छा भी नहीं लगता है। तो क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया, 1:30 बज गया, हमको निकालना है बहुत जल्दी, हमको दोनों जगह पे जाना है। तो पता नहीं कैसे क्या करेंगे, दोपहर को खाएंगे, मम्मी ने खाना बना के रखी है और हम दोनों मतलब इतने लेट बना रहे हैं ये सब। रुक जाओ गाइस, ये जो कचौड़ी है ना जो मैंने आज बनाई है, गाइस इसको ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। वैसे जो ये अंदर स्टफिंग्स जैसे मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया, ये आप बना के तेल में फ्राई करना, जैसे पूरी फ्राई होता है वैसे फ्राई करना, हो सके तो मैदे में करना तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है, पर हम मैदा खाते नहीं हैं। मैं और इंदर, मेरे घर वाले सारे मैदे के बिना खाते नहीं, पर मैं और इंदर हम दोनों मैदा पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशूज़। तो ओ गिर रहा था, तो इसीलिए हम आटे में डाल के ही खाते हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना, अच्छा लगेगा। ये तो बस हम परांठा के जैसे बना रहे हैं बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि मॉर्निंग इतना ज़्यादा ऑयली हो। गाइस ये देखो आ गया हमारा गर्मा गर्म पीस के परांठे या मटर परांठा, और इधर आ गया आलू के दम। कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, कलर देखो गाइस, वाओ। इधर उधर भी प्याज कट रहा है, मैंने इसको बोला कि अभी प्याज खाना नहीं है इसके साथ, बट ही इज़ लाइक नहीं मेरे को खाना है। खाते खाते गाइस बाहर का मौसम दिखा दूँ एक बार, थोड़ा सा कम है धूप अभी, जल्दी से नहा के निकल जाएंगे, पसीना तो बहुत आने वाला है, पर क्या करें जाना तो पड़ेगा ही। मुझे कुछ सामान चाहिए वो भी लेना है। हाय गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे। कल से मम्मी के साथ इतना ज़्यादा फाइट चल रहा है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। बेसिकली जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं रसोई में, तो उधर क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन हैं गाइस, तो इसीलिए मछली, चिकन, मटन सब कुछ बनता है घर पे। नाउ द प्रॉब्लम इज़ मैं और इंदर, हम दोनों चिकन खा तो लेते हैं, सॉरी बीच में एक कॉल आ गया था, तो मैं और इंदर हम दोनों चिकन मटन खा तो लेते हैं, पर हम दोनों फ़िश नहीं खाते, और मुझे भी फ़िश खाना अच्छा नहीं लगता है बिकॉज ऑफ द स्मेल। ऑल दो मैं बंगाली हूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों जब भी मैं फ़िश मेरे सामने आता है मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आता है, और मुझे फ़िश का स्मेल तक पसंद नहीं है। बहुत लोग खाते हैं, मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, मेरे घर वाले खुद भी खाते हैं, बट आई डोंट नो वाई कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जब भी मैं कच्चा जो मछली होता है ना उसका स्मेल जब आता है मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी भी मतलब जो खाया है ना वो सारा निकल जाएगा। तो मुश्किल ये होता है क्योंकि हमारा कुकिंग सब कुछ एक साथ होता है, तो इट्स ओके। तो मैं कढ़ाई बर्तन सेम यूज़ कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिससे हम साफ़ करते हैं ना बर्तन, तो वो मैंने अलग करके रखी हुई है, क्योंकि जिससे मछली के बर्तन धोते हैं उससे मैं अपना वेज के बर्तन या चिकन जब खाती हूँ उसका बर्तन मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि वही स्मेल थोड़ा बहुत रह ही जाता है और मुझे वो चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो मम्मी ने क्या की थी, मेरा ना स्कॉच ब्राइट और जो लिक्विड सोप है वो सब कुछ अलग रखे हुए हैं एक साइड में, और मम्मी का दूसरे साइड में अलग रखे हुए हैं। तो किसी भी तरीके से वो गिर गया था नीचे, तो मम्मी ने उठाकर एक साथ कर दिया। तो मैं जब बर्तन धोने गई थी तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने मम्मी को बोली, मम्मी तब नहाने गई थी कि किधर है, तो मम्मी बोलने लगी मैं एक साथ रख दी। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि एक तो मुझे बर्तन धोना है, ऊपर से सामान नहीं है, और जो भी है वो मछली के साथ मतलब एक साथ रख दिया है, तो मेरी तो फट गई कि मैं क्या करूँ अब, उससे ही मतलब मेरे को बर्तन धोना पड़ेगा। तो इस बहाने में लड़ाई होगी थोड़ी सी, फिर मैंने एक अलग स्कॉच ब्राइट और बर्तन साफ करने वाला सोप सब कुछ अलग किया है। पर वही बात है, मैं मम्मी को बार बार समझाती रहती हूँ कि देखो हर किसी का फूडिंग स्टाइल सेम नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है जो खाते हैं ठीक है, पर जो नहीं खाते हैं ना उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। एक होता है वेज, ठीक है वो अलग बात है, एक है हम चिकन मटन खा लेते हैं, पर
फिश जो होता है ना उसका टेस्ट और उसका स्मेल कुछ ऐसा ही होता है, ऑल टाइम हर बंदा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑल दो मैं जब से छोटी थी तब से मैं इधर ही थी, इसी घर पे मैं पाली बड़ी हूँ, पर आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे से बिल्कुल नहीं होता। तो चलो ऐसा करते करते फाइट हो गया, अब मम्मी भी गुस्से में है, मैं भी गुस्से में हूँ, यही सब चल रहा है। तो आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया है कि थोड़ा सा वॉक पे जाऊँ या थोड़ा सा घूम के आऊँ, तो इसीलिए मैंने इंदर को बोली कि चलो अभी चलते हैं, थोड़ा सा स्प्लैनेट जाके आते हैं, इधर पास में ही है। तो आज दोनों जगह पे जाना था, एक काम के जगह पे, एक स्प्लैनेट पे। तो काम का जगह आज हमने ड्रॉप किया है क्योंकि आज छुट्टी लिया है हमने काम से, तो थोड़ा सा इधर उधर घूम के आते हैं, माइंड भी फ्रेश होगा और टाइम भी ज़्यादा मिलेगा नहीं, शाम हो जाएगा। तो रात के बाद ज़्यादा टाइम हम बाहर रहना यूजुअली हम सेफ नहीं मानते हैं इधर, स्पेशली कोलकाता में, और जिस जगह पे हम जाते हैं वो जगह तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसीलिए ज़्यादा देर हम नहीं करेंगे, 9 बजे के अंदर ही अंदर हम वापस आ जाएंगे। जस्ट खाना खाया है, अब नीचे जाऊंगी, कपड़ा पहनूंगी और फिर निकलेंगे। तो चलो अभी ब्लॉग बंद करती हूँ, जब निकलेंगे तब मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन में, रेडी होके आते आते बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि ब्लॉग बनाऊँ। बाकी रास्ते में भाई के साथ मिल गई थी मैं, सारे हम एक साथ आ रहे थे, भाई भी अपने ट्यूशन में जा रहा था, हम भी निकल रहे थे, तो बात करते करते टाइम लग गया काफ़ी। इंदर के साथ इतना ज़्यादा पंगा हो रहा था इधर आके स्टेशन में, तो मैंने इसको बोला है कि तुम बाल बुल मत कटवाओ। तो इंदर का बाल देखा इतना छोटा है, तो ये भी बोल रहा है कि मिलिट्री कट काटेंगे, बिल्कुल छोटा 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 छोटा। मिलिट्री कट किस लिए बोला मैंने, विजय देखो इधर है नहीं, इधर है नहीं, वो ऑयल लाके उसकी मसाज करने के लिए बोला मैंने, शौक के लिए मैं रखता हूं। तो इसने बोला है कि मैं सारा बाल कटवा के बिल्कुल छोटा छोटा रखूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला है कि तुम बाल नहीं रखते हो, दाढ़ी नहीं रखते हो, पग नहीं बांधते हो, तो तुम्हारा बच्चा हुआ तो कुछ भी नहीं सीखेगा। फिर इधर भाई मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला भी मेरे को इनको बढ़ाने के लिए चाहिए, मेरे को मैं शौक के लिए रखूंगा। और ऊपर मैंने क्या बोला, एक मैं कैप लूंगा लेके रखूंगा उस टाइम के लिए, जितना टाइम तक है। तो ये बात कहाँ की कहाँ तक लेगी। एक तो इधर सारे बंगाली कल्चर फॉलो करते हैं, किसी भी बच्चे को बड़े बाल, मतलब बच्चों को अगर बड़े बाल कोई रखवाते हैं तो उसको साथ ही साथ बोलते हैं कि कटवा के छोटा कर दो। और ऊपर से ऐसे पिताश्री हो तो बच्चे का हाल क्या बनेगा, सोच लो। मैंने एक बात बोली तुझे, तू तो शासन करने लगी। शासन नहीं, मैं बोल रही हूँ कि बच्चे में ना, मुझे पता नहीं है ये बात। बात ये है कि दोनों कल्चर का जो डेकोरम है वो बच्चे में आना चाहिए। तो बच्चे एक साइड का सीखते हैं, दूसरी साइड का कुछ पता ही नहीं होता है क्योंकि ना एक्चुअली हम बंगाल में रहते हैं, तो उसको ना बच्चे को ना उसी तरीके से ट्रेन करना पड़ता है कि बच्चे इधर कभी सीखे उधर कभी सीखे। नहीं तो बच्चों का आधा पता रहेगा कि हमारा कल्चर क्या है, आधे कल्चर का कोई फिक्र ही नहीं होगा। इधर नहीं किसी ने ना, जहाँ की बोली सीख ली है बोलना सीख लो, पर बाकी और। आज का मौसम गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल क्लाउडी सा है, गर्मी है पर अच्छा लग रहा है। और इंदर देख लो बिल्कुल थक गया है फाइट करते करते। इधर आज थोड़ा सा इस टाइम पे खाली होता है, तो खाली है, और फ्लैश मत करूँ ना मैं। अब थोड़ा लोग दिखने को मिला जैसे ही मेट्रो गया, और हमारा ट्रेन उधर से आने वाला है। मैं ज़्यादा उस साइड में जा नहीं रही हूँ क्योंकि उधर पुलिस खड़ी है, ज़्यादा देखेगी कि मैं वीडियो कर रही हूँ तो बस फ़ोन पकड़ लेगी, क्योंकि मेट्रो स्टेशन में वीडियोस करना अलाउड नहीं है, फ़ोन यूज़ करना भी अलाउड नहीं है। बाय द वे गाइस, कि वो खुद तो फोन खुद फ़ोन यूज़ कर रही है पर दूसरों को यूज़ नहीं करने देते हैं। पंगा लेंगे हम, सारे उधर खड़े हैं क्योंकि उधर उनको जाना ना, ना इंजीनियर उधर जाना है, हमको लास्ट के तरफ से ही निकलना है, इधर से मार्केट सामने आएगा तो इधर उतर जाएंगे हम, तो इधर ही हमारा सही होगा। तो एक्चुअली गाइस हम प्लैनेट जा रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमको कुछ सामान लेना है, घर पे ना इधर उधर सामान इकट्ठा होकर पड़ा रहता है। तो द बेसिकली द थिंग इज दिस, हमको एक ऑर्गेनाइजर चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए जो ऑनलाइन में इतना ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी मिलता नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि इस प्लैनेट से ले लेंगे तो वैरायटी भी मिलेगा और प्राइस भी ठीक ठाक लगाते हैं, तो देखते हैं जाके क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। फाइनली गाइस हमको जगह मिला है, हम बैठे हैं, अच्छा जगह ही मिल गया है, तो अभी खाएंगे पिज्ज़ा। तो उस दिन हम से ऑर्डर देने वाले थे जिस दिन हम वाव मोमो से खाना मंगवाए थे, तो आज डोमिनोज देखे और मतलब लालच संभाल नहीं पाए, हम आ गए हैं इधर।
पिज्जा खाएंगे, उसके बाद घर चलेंगे क्योंकि लास्ट टाइम 9:30 बजे है, अभी बज गया है 8:30। सो चलिए थे आप लोगों को मार्केट दिखाएंगे, बहुत बहुत घूम घूम के आई हूँ, बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई। चाहते हैं आप लोगों को मार्केट भी दिखाएंगे और घर जाके ये भी दिखाएंगे कि क्या क्या लिया है। बोलो कुछ हो? कोई नहीं, बिल क्यों दिखा रहे, वेटिंग। जाओ, हमारा टाइम आ गया होगा, जाओ नीचे से, इधर से ले आना पड़ेगा। ओ देखो 186 बुला रहा, 186, हमारा 187 है। ओ फिर तो देर है, चलो बैठो। सो गाइस, अभी हम घर पे वापस आ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया आ गया है, इतना ज़्यादा टायर्ड लग रहा है कि उठा नहीं जा रहा है। एक आधी रोटी खा लेंगे, बस 12 बजने वाले हैं अभी। और जब हम खाना खा के निकले थे तो सच्ची में बहुत ज़्यादा फूल हो गया था, हम तो थोड़ा सा खाना था तो इंदर बोल रहा था कि लेके चलो घर पे जाके खाएंगे। तो मैंने बोली नहीं, जो खाना है अभी खा लो फिर घर चले जाएंगे। बाय द वे, हमने क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा सब कुछ दिखाएंगे, मार्केट ज़्यादा दिखा नहीं पाए, बहुत ज़्यादा भीड़ था, फ़ोन निकालना रिस्की हो रहा था, तो बस टाइम देखने के लिए एक आधी बार निकाली थी, उसके बाद मैं फ़ोन बैग पे रख दिया था। क्या ख़रीदा नहीं ख़रीदा एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये देखो गाइस, इंदर ने रेगुलर पहनने के लिए एक ऐसे फुल पैंट सा लिया है, तो ये कपड़ा बहुत ही कंफर्टेबल है और ये जो कलर है ये इंदर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये वाला लिया है। बाकी जिस पे ये सब कपड़ा अभी हम फेंक के रखे हैं, ये वाला जो लॉन्ड्री बैग है ये हमको ज़रूरत था, एक तो हमारे घर पर है, एक हमारे रूम में है, और इधर वाले घर पर ये लॉन्ड्री बैग हमारे रूम में था नहीं, तो इसीलिए नॉर्मल वाला लॉन्ड्री बैग हमने ले लिया है। ये जूता सा लिया था, ये जूता बहुत ही नॉर्मल वाला है, बस कभी इधर कभी उधर पहनने के लिए लिया है, मुझे अच्छा लगा था। और ऐसा लग रहा था कि कभी कभार जब हम निकलते हैं तो पहना जाएगा, तो एक बार निकाल के दिखा देती हूँ कैसा है। हाँ ये हेल्प करो ना, ये निकल नहीं रहा है बिल्कुल भी, अटक गया है ये देखो, शर्म नहीं आ रही है। ये देखो ये जुत्ती टाइप का है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली जुत्ती, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। तो ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। ये वाला मैंने फ्रॉक लिया, तो मुझे ये वाला बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसके लिए एक्चुअली में हम गए थे जो है कि ऑर्गेनाइजर लेना था। ऑर्गेनाइजर मतलब कुछ नहीं, इधर ना देखो इधर का हालत ऑल टाइम ऐसा रहता है, कभी इधर कभी उधर, तो मैं चाह रही थी कि ड्रॉयर टाइप का जो ना होता है तो वो एक ले आके रखेंगे। एक्चुअली मैंने मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे मैंने देखी हुई थी, पर उधर प्राइस बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, मुझे लगा कि स्प्लेंडर से मिल जाएगा, बट उधर जाके देखा मैंने ये सब लॉन्ड्री बैग वगैरह ये सब मिल रहा था, बट एक्चुअल में जो ड्रॉयर सिस्टम है जहाँ पे हम रख सकते हैं और इधर रख के अच्छा लगेगा, उस टाइप का कुछ भी नहीं मिला। तो मंडे को हमारा कुछ काम है, तो जाने से पहले हम मार्केट जाएंगे, दूसरे वाला मार्केट देखते हैं उधर मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि अभी हमको ना ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है, तो वी नीड समथिंग टू ऑर्गेनाइज आवर स्टफ़। और क्या बोलने वाली थी मैं, खुद ही भूल गई। बाय द वे, अभी मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। अभी मैं जाऊँगी रोटी बनाने, आज हम एक एक रोटी खाएंगे, ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि बाहर से खा के आए, बहुत बड़ा पिज़्ज़ा तो दो खाएगा, इंदर दो खाएगा, मैं एक खाऊंगी। तो चलो अभी के लिए ब्लॉग एंड कर रहे, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस फॉर द होल डे। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। हर रोज वीडियो डाल तो नहीं पा रहे, पर ट्राई करेंगे जितना हो सके हम वीडियो डालें। मे बी मंडे मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगी कि हम क्या ले रहे हैं कि मार्केट वगैरह का, अगर नहीं हो पाया तो बाद में वीडियो बनाऊँगी, देखती हूँ व्हेन कैन आई फील कम्फर्टेबल टू मेक वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून, देखते रहेगा।
मेरा साथ रहेगा। बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक करना। बाय।